नमस्कार दोस्तों, नर्सरी चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी। हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 2 मिनट के अंदर हम इस सब्जी को बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इस तरह से आलू मटर की सब्जी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी सब्जी कैसी बनी। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं आलू मटर की सब्जी। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। 2 टमाटर लिए, 1 हरी मिर्च लिए जिसे बारीक कट कर लिए, 1 बाउल मैंने मटर लिए, 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब हम मसाला बनाएंगे। तो धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, इसकी जगह आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका घोल बना लेंगे ताकि मसाले जो है जले नहीं और सब्जी का कलर जो है अच्छा आए। और मैंने 250 ग्राम आलू लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर काट लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। थोड़ा सा तेल डाल देंगे 1.5 चम्मच के करीब। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। इस सब्जी को आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, एक चम्मच हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम इसके अंदर राई डाल देंगे, 2 तेज पत्ता डाल देंगे। तेज पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे, 1/4 चम्मच हम इसके अंदर हींग का डाल देंगे। हींग से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी के अंदर। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब टमाटर और हरी मिर्ची डाल देंगे। मैंने 1 हरी मिर्ची, 2 टमाटर लिए थे जिसे बड़े टुकड़ों में काट लिया था। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से 1 मिनट तक चला लेंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। इससे हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये तीखी नहीं होती है फ्रेंड, पर सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसके अंदर भिगोए हुए मसाले डाल देंगे। और मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। जितना मसाला अच्छे से भुनेंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। और मसाले का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। आप एक बार बनाएंगे ना फ्रेंड, आप बार बार बनाकर खाएंगे। 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है। काली मिर्च हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। आलू डाल देंगे, हरे मटर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे अच्छा सा टेस्ट देने के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। तो हाथ से थोड़ा सा क्रश कर ले और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। सब्जी को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और 3 सीटी आने तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 सीटी दे लेंगे। तो देखिए, 1 सीटी तो लग गई है। 3 सीटी के बाद हमें प्रेशर इसी के अंदर रहने देना है, निकालना नहीं है। तो देखिए, ये 2 सीटी भी इसके लग गई है और 3 सीटी मैंने लगा ली थी और प्रेशर मैंने इसी के अंदर रहने दिया। अगर आप थोड़ी कम गली सब्जी खाते हैं तो 2 ही सीटी लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। तो प्रेशर निकल गया है, मैंने इसको 3 सीटी दी थी। और आप देख सकते हैं सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आया है और सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गली है। और अब हम इसे सर्व कर लेंगे।
और इसे धनिया पत्ते से डेकोरेट कर देते हैं जिससे दिखने में सुंदर लगेगी। चावल हो, चपाती हो, राइस हो, पूड़ी हो, सभी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी आलू मटर की सब्जी कैसी बनी। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ।